अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में ख्वाब में बादल देखना, बादल की गरज सुनना, काले बादल देखना, सुर्ख बादल देखना, सफ़ेद बादल देखना या बारिश देखना, इस तरीके के ख्वाबों की ताबीर अर्ज कर रहा हूं। पहला ख्वाब है बादल गरजता हुआ देखना, ख्वाब में कैसा होता है याद रखें। बादल गरजता हुआ देखना ख्वाब में ये परेशानी आने की अलामत होती है कि ख्वाब देखने वाला किसी परेशानी का शिकार होगा। इसलिए अगर कोई इस तरीके का ख्वाब देखे तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करे और अल्लाह से डर अपने दिल में पैदा करें, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा करें। दूसरा ख्वाब है बादल की गरज सुनना। किसी शख्स ने ख्वाब में बादल की गरज सुनी है, याद रखें ख्वाब में बादल की गरज सुनने का ख्वाब अच्छा होता है और इसकी ताबीर ये होती है कि ख्वाब देखने वाला अगर बीमार है तो बीमारी से सेहत और शिफा पाएगा, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती नसीब करेगा। और अगर बीमार नहीं है, किसी सेहतमंद और तंदुरुस्त इंसान ने यह ख्वाब देखा है तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले को कोई अच्छी खुश करने वाली खबर मिलेगी। तीसरा ख्वाब है काले बादल देखना। किसी शख्स ने ख्वाब में काले बादल देखे तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला कोई रंज या गम की बात उसको पेश आएगी, ख्वाब देखने वाले को कोई रंज या गम की बात पेश आएगी। और दूसरी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला किसी फिक्र या टेंशन में मुबतला होगा। चौथा ख्वाब है सफ़ेद बादल देखना। किसी शख्स ने ख्वाब में सफ़ेद बादल देखे हैं तो इसकी ताबीर यह है कि अल्लाह ताला ख्वाब देखने वाले को इल्म और हिकमत से, समझदारी दानिशमंदी से नवाजेगा, वो समझदार होगा और लोगों को उसके इल्म और हिकमत से, उसकी समझदारी से खूब फ़ायदा होगा, लोग उससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। पांचवा ख्वाब है सुर्ख बादल देखना। किसी शख्स ने ख्वाब में सुर्ख बादल देखा है तो उसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अल्लाह की जानिब से किसी आजमाइश का शिकार हो सकता है और ख्वाब देखने वाले पर कोई आजमाइश या परेशानी नाजिल हो सकती है। छठा ख्वाब है जर्द येलो कलर का बादल देखना। तो इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला या तो बीमार होगा या इसी तरीके पर किसी ऐसी औरत से नजात पाएगा, अगर उसकी बीवी के आदत व अखलाक अच्छे नहीं होंगे तो उसकी जानिब से, बीवी की जानिब से आने वाली परेशानियों से उसको छुटकारा नसीब होगा। सातवां ख्वाब है बादल बरसते हुए देखना। किसी ने देखा कि बादल हो रहे हैं और बादल के साथ साथ बारिश पड़ने लगी तो इसकी ताबीर यह है कि खैर व बरकत नाजिल होगी, ख्वाब देखने वाले के रिस्क में इजाफा होगा और इसी तरीके पर ख्वाब देखने वाले की ज़िंदगी में सुकून होगा, बहुत इत्मीनान से ज़िंदगी गुजरेगी। आठवां ख्वाब है बादल उड़ता हुआ देखना। किसी ने देखा कि बादल उड़ता हुआ जा रहा है ख्वाब में तेज़ी से तो उसकी दो ताबीरें हैं। पहली ताबीर ये ख्वाब देखने वाले के नेक होने की अलामत है और अगर कोई आलिम ये ख्वाब देखे बादल के उड़ने का तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले के इल्म में इजाफा होगा। नवा ख्वाब है बिना बादल के बारिश की गरज देखना। किसी ने देखा बादल हुए नहीं और बादल की गरज के बगैर बारिश हो रही है तो इसकी ताबीर यह है कि बगैर बारिश के अगर बादल गरज रहे हैं तो ये खौफ की अलामत है, डर की अलामत है, अल्लाह की जानिब से आजमाइश की अलामत है। इसलिए ख्वाब देखने वाले को अल्लाह की पनाह चाहनी चाहिए, गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और ख्वाब के शर से बचने के लिए सदक़े का अहतमाम करना चाहिए, अपने लिए आफियत की अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। दोस्तों ये हमने आप हज़रात की खिदमत में बादल से मुतालिक 9 अहम ख्वाबों की ताबीरें पेश की हैं
उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों से शेयर कीजिए और अपने किसी भी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए हमारी किसी भी वीडियो की कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब लिखते हुए नाम बताएं। फिर फ्राइडे का वेट करें, इंशाअल्लाह ताला फ्राइडे की वीडियो में आपके ख्वाब की ताबीर जरूर बयान की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।